हेलो गाइस, नमस्ते, कैसे हैं आप सब। रिताज रूटीन में आपका स्वागत है दोस्तों। और मैं आज की हूँ गांव से मुंबई में, अपने छोटे से आशियाने में। और आज ना अभी क्रिसमस, मेरी क्रिसमस आ रहा है, तो उजाला लेके आई है क्रिसमस ट्री, और वो जो जो सजाने जा रही है तो मैं भी इसका हेल्प करती हूँ और सजाएंगे बड़ा अच्छा सा क्रिसमस, क्योंकि हम लोग ये सारे फेस्टिवल इंजॉय करने वाले हैं। मस्त है ना रुच? हाँ। तो तुम भी चलो। हाँ, तो सजाने वाला कहाँ, उजाला सारा। देखो इतना सारा ये कर रही हूँ, लाइटिंग, लाइट, तकिया किया। यार तुम लोग कहीं भी फेंके रहते हो सब लोग। अनुज तकिया फेंकना मत समझे ना, अपना बुक भी उठा के रखो। अच्छा ये लाई, और क्या? बस अभी जो और रहेगा उसको हाथ से बना लेंगे। लाई है खाली ये और ये लाइट, और इतने से कैसे सजेगा यार, और भी सजाना रहता है ना। अरे बहुत महंगा दे रहा था सारा सामान, तो मैंने इतना ही रखा। सजाओ अच्छा दिखेगा। खांसी आ रही है यार अभी भी, गला सही नहीं है। इतना बड़ा ठीक है ना क्रिसमस ट्री, अच्छे से सजाएंगे, मस्त मजा आएगा। और रात को ना लाइटिंग करेंगे, एकदम एक नंबर लगेगा। आजा अनु, चलो वहाँ पे सजाते हैं। अरे तू बैठ के मोबाइल ही देखता रहेगा ना, तो चल ना कुछ कर लेते हैं ना। मोबाइल रख के आओ, जाओ चलो। एक नंबर का आलसी गधा बच्चा है, सही बोल रहा है वैसा। उसको कुछ नहीं करना, मोबाइल देखना है, बस टाइम पास करना है। उजाला आजा हेल्प करते। हाँ। ए भाई स्टार तो मुझे अच्छे से बनाने आता नहीं, ऐसे बना दो उजाला। अरे कैसे भी बना दो चलेगा ऐसे। हाँ ये तो स्टार पीस हो गया यार। मैं पक्का केजी में रहूंगी तो जीरो मार्क्स मिला रहेगा मुझे ड्राइंग में। तो ड्राइंग की टीचर भी हो ना। ड्राइंग का कोर्स किया है दोस्तों, लेकिन मुझे स्टार भी बनाने नहीं आता है, देखिए। क्या करे आज, काम नहीं करते, चूल्हा चौका बर्तन में सब भूल जाता है ना। अभी इसको कट कर। बड़ी भयानक बेइज्जती है दोस्तों, कमेंट मत करना। मेरा स्टार कुछ इस तरह से बन गया है, ये देखिए, किसी काम का नहीं बना, लेकिन इसको चमकी लगा देती हूँ ना, बढ़िया लगेगा। ये देखिए गम है मेरे पास, इसको मैं गम लगा देती हूँ, निकल नहीं रहा यार। ढक्कन खोलू? खोल दो, खोल दो। अच्छा से देखो। अरे इतना सारा, वाओ, सारे कलर का लेते फिर। अरे यार बड़ा मजा आ रहा है केजी वाला काम करके, छोटे छोटे बच्चों वाला, बहुत दिन के बाद। एक पे डाल के दिखाओ पहला। दोस्तों मेरे वीडियो में अगर आप नए हैं तो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक दे दीजिएगा। तो यहाँ पर पहले तो मेरी और दोनों बेटियाँ रहती थी, तो तीनों मिलकर ये सब चीज़ें बड़े मज़े में करती थी, बट वो है नहीं तो उजाला के साथ में मुझे अभी करना पड़ता है। और इस बार तो मेरा मन भी किया कि मैं ही सजाती हूँ, तो उजाला फिर सिर्फ वीडियो निकाल रही थी और मैं सजा रही हूँ। और मतलब बन तो नहीं रहा था, क्योंकि ये सब चीज़ें मैं कभी की नहीं हूँ, एक्टिविटी मैं ये सब करती नहीं थी, तो फिर कैसे भी बना ली हूँ। बस सजाना स्टार्ट है, सजाऊंगी तो अच्छा लगेगा, आप देखना पूरा वीडियो। यहाँ पर मैं ना लाइटिंग लगा रही हूँ, क्योंकि झालर छोटा वाला मेरे पास एक ही था, बड़े बड़े झालर तो तीन चार रखी हूँ, बट इतने छोटे से क्रिसमस में कहाँ तक लपेटूंगी मैं, तो छोटा वाला से सजाई हूँ, बस पूरा लग गया है। अभी थोड़ा लाइट ऑफ करके मैं देख रही हूँ, मस्त मज़ा आ रहा है देखने में। आपका, आपको कैसा लग रहा है क्रिसमस ट्री? अच्छा लग रहा है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और सबको मैरी क्रिसमस। और हम लोग ना लगभग हर साल ही मेरी क्रिसमस सजाते ही सजाते हैं क्रिसमस का पेड़, तो यहाँ पर हो गया है। देखिए कितना सुंदर हम लोगों ने सजाया, अच्छा लगे तो दोस्तों कमेंट जरूर करना, और हमारी तरफ से सब भाई बहनों को, भाभियों को, भैया को, जो भी है सबको हैप्पी क्रिसमस, मेरी क्रिसमस। बस इसके बाद से उठी हूँ, और बहुत सारा गंदा हो गया था घर, क्योंकि फुट्टे वुट्टे हम लोग ने काटे थे ना, तो बहुत सारा कचरा निकला था, तो बस वही मल लगी थी झाड़ू मारने। काफ़ी शाम का वक्त भी हो गया है यहाँ पर, और अभी खाना वाना बनाने का है, तो यहाँ पर फटाफट से मैं लगा दी थी झाड़ू। और उजाला भी है नहीं, उड़ गई बाहर थोड़ा सा, और अनुज भी है, बार बार खोल रहा है, आ रहा है, जा रहा है, मस्ती कर रहा है, तो वो सब झाड़ू वाड़ू पोछा हो गया मेरा शाम का। फिर यहाँ पर कपड़े वगैरह भी सूख गए थे, इसीलिए आगे मैं घड़ी करके सारा कपड़े रख दूँगी, उतार लूँगी, और क्योंकि ये वो रह जाता है ना, तो फिर रात को वो नहीं अच्छा लगता कि कुछ कीड़े वगैरह आके चिपक जाएँ खिड़की में।
और यहाँ खिड़की से ना मैं थोड़ा सा नज़ारा देखती हूँ तो हरा भरा पूरा दिखता है सामने, बहुत सुंदर लगता है, अच्छा भी लगता है, फीलिंग आती है गाँव वाली। बस वहाँ से उतरी हूँ, कपड़े वगैरह घड़ी करके मैंने अलमारी में डाले हैं, और अनुज का चल रहा है यूनिट टेस्ट का एग्ज़ाम। तो अनुज ऐसा है ना कि उसको जब तक मार के बैठाओ नहीं तो बैठता नहीं है, तो कैसे भी मैं बैठाई हूँ थोड़ी देर उसको, थोड़ा बहुत काम देती हूँ करने के लिए, थोड़ा बहुत पढ़ा दूँ क्योंकि पढ़ा नहीं है बिल्कुल भी ये लड़का। और देखो ना कैसे कर रहा है, मैं पढ़ाने बैठी हूँ ऐसा लग रहा है ज़बरदस्ती बांध के उसको बैठाया गया है। मेरी बेटी को तो कभी बोलना ही नहीं पड़ता था पढ़ने के लिए, और इनको तो सिफारिश करनी पड़ती है। तो बस यहाँ पर मैं उसको थोड़ा बहुत ये था, साइंस का अब एग्ज़ाम है कल, तो साइंस के लिए थोड़ा सा क्वेश्चन वगैरह मैं समझा दी थी कि यही करके बैठो, थोड़ी देर लिख लो दो चार बार, रिपीट कर लो ताकि इजी हो जाए। तो यहाँ पर बस उसको दी हूँ लिखने के लिए, और मैं फिर से उठ के गई हूँ। ये मैंने डाल दिया था पोछा वगैरह भी मशीन में, तो ये धुल गया है अभी, तो कभी कभी डाल देती हूँ, वैसे तो नहीं डालती पोछा, हाथ से ही धो लेती थी, बट आज मैंने डाल दिया था, थोड़ा आलस आ रहा था क्योंकि थोड़ा पोछा वगैरह गंदा हो गए थे। तो ये दोनों का कलर भी ऐसा है तो ये बहुत जल्दी गंदे गंदे दिखते हैं, तो बस यहाँ पे सूख गया है, सूख डाल देती हूँ उसको बाहर, एक पायदान वहाँ रख दी हूँ, एक यहाँ पे रख दी हूँ, और ये मेरा काम थोड़ा ईजी हो गया। बस यहाँ पर किचन पे खाना बनाना है, अभी क्या बनाने का है, तो पालक तो कल ही आके रखा हुआ था, तो बस वही पालक का मैंने क्या किया है ना, पहले से उबाल उबाल के रख दिया था ताकि जल्दी जल्दी बन जाए खाना, शाम को ही मैंने एक बार कर दिया था वो सब। तड़का लगाना बाकी है यहाँ पर आज ना, मैं पालक पहले ही उबाल के रखी हूँ क्योंकि अनुज ना हरा सब्ज़ी खाता नहीं है जल्दी, तो इसके लिए थोड़ा सा जूस निकालने के लिए मैंने उबाला हुआ है, इसमें से थोड़ा सा जूस निकल जाएगा उसके लिए। और ये ना थोड़ा सा एक दो आलू डाल देती हूँ मैं, बिना आलू का तो हम लोग की बनने वाली नहीं है सब्ज़ी, हम लोग को पसंद ही नहीं आता बिना आलू के। तो बस यहाँ दो आलू डाला था और लहसुन मिर्चा का तड़का लगा के बस छौंका लगा दिया था और स्वाद अनुसार डाल दिया था नमक। दोस्तों अभी ठंडी का सीज़न है तो हरी भाजी बहुत अच्छी लगती है खाने में, बथुआ पालक साग जो भी अभी मिक्स भाजी बनाते ना, वो तो मैं अभी नहीं लाई लेकिन बहुत बढ़िया लगता है वो मिक्स वाली भाजी जो बनते चना का साग वग डाल के, अभी लाऊंगी एक आध दिन। तो यहाँ पर सिर्फ पालक का ही है, इसको तड़का लगाओ बहुत बढ़िया लगता है। आप पहले तड़का लगा के भाजी छौंका लगाओ अलग लगता है, और भाजी उबाल के तड़का लगाओ उसका टेस्ट अलग हो जाता है। तो साग तो बहुत अच्छा लगता है ऐसे। और यहाँ मैंने दाल भी बैठा दिया था, ये भी दाल गल गई थी मेरी, बस इसमें तो थोड़ा सा तड़का लगाना है, हल्का ही तड़का डालना है, ज़्यादा हेवी तड़का नहीं लगाऊंगी आज मैं। और दोस्तों वही होता है ना, जब भी कभी ऐसा लगता है खाने का मन कम हो सबका, कौन है ही चार जन हैं, तो बस इनके पापा का तो आज मूड थोड़ा कम था तो इसके लिए ज़्यादा चटपटा भी नहीं बना रहा हूँ, अनुज वैसे भी बहुत कम खाता है रात को, तो फिर हम लोग जो भी बनाते खाना बहुत बच जाता है, कितना भी सोच के बनाती हूँ कम बना रही बट हो ही जाता है, लेकिन क्या करें अभी कितने जन में कितना खाना ख़त्म हो। बस यहाँ तड़का हो गया था मेरा, ज़्यादा कुछ नहीं डाल रही हूँ, लहसुन जीरा और मिर्चा और बस थोड़ी सी धनिया कटी हुई वही डालूँगी, और कुछ नहीं डाल रही हूँ तड़के में। और ना ये गैस बंद करके ही मैं धनिया डालती हूँ क्योंकि ज़्यादा होता तो पूरा फैल जाता किचन में तेल तेल। बस हो गया मेरा ये भी तड़का रेडी हो गया था, और अब बनाना बाकी है रोटियाँ, तो थोड़ी सी रोटियां 6-7 रोटियां बनेंगी बस, इससे ज़्यादा नहीं, वो भी इसमें से 2-3 रोटियां रोज़ का रोज़ बच ही जाता है, कितना भी आटा गूंदने के टाइम पे लेती हूँ सोचती हूँ थोड़ा ही ले रही हूँ बट हो जाता है, अभी क्या करें खाने वाले का मन ही नहीं समझ में आता सबका। तो बस यहाँ हो गया मेरा, साग भी हो गया, चावल हो गया, दाल हो गया, अब है रोटी की बारी। बस वहाँ फटाफट से देखिए साग अभी तो गैस पे ही था क्योंकि सूखना जितना भी पानी सूख जाता है ना तब बहुत अच्छा हल्का हल्का सा जरवा पकड़ लेता है ना, हल्का सी जलने लगती है जब सब्ज़ी तब उसका टेस्ट बहुत बढ़िया आता है, कोई भी साग बनाए थोड़ा सा जलवा मतलब क्या बोलते उसको यार, जल जाए तो बहुत बढ़िया लगता है। तो बस यहाँ पे इतना सारा जूस निकल गया है, वो भी नाटक करेगा पिएगा नहीं जल्दी, तो इसके लिए मैं ढक के रख देती हूँ, अब आएगा तो उसको देती हूँ, अभी खेलने गया है बाहर। और बस यहाँ पर आटा मैंने निकाला है, आटा बना के रोटियाँ गर्मा गर्म रख दिया था मैंने, अब आपको परोस के दिखा देती हूँ। ये रहा मैं चावल, और ये रही धनिया पत्ती तड़के वाली दाल, और दो बीटरूट का स्लाइस मैंने काट लिया है, और ये देखिए सूखी भाजी एकदम हो गई है, पत्ता बिल्कुल भी सूख गया है, तभी टेस्ट मज़ा आता है खाने में। और लहसुन तो ज़्यादा डालना चाहिए लेकिन आज मेरे पास लहसुन कम था, वेट कर रही थी लेकिन नहीं मंगा पाई अभी, तो 7-8 कली थी उसी से मैंने तड़का लगा दिया था। और ये रही रोटी, और ये थोड़ा सा अचार। दोस्तों मेरी थाली आज की कैसी लगी,
अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ध्यान रखिए, ठंडी से बचिए, नहाइए एक हफ्ते में। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।